अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्वागत है। आज के ब्लॉग में देख लीजिए, माशाल्लाह बाबा जान के बाग का है। माशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि बाबा जान की दरगाह के सामने कितना बड़ा बाग। माशाल्लाह देख लीजिए खूबसूरत नज़ारा। अगर आप मेरे चैनल नए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट करिए। देख लीजिए उर्स मुबारक है। माशाल्लाह आपको हम यहाँ का पूरा बाग बाबा जान का है दिखलाएँगे। देख लीजिए माशाल्लाह कितने अच्छे से यहाँ, देख लीजिए पब्लिक कितनी बैठी है यहाँ। देख लीजिए बाग में पब्लिक बैठी हुई है और देख लीजिए हम आपको दिखलाएंगे यहाँ कितना अच्छा लगता है जब शाम का वक्त होता है। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है यहाँ। देख लीजिए माशाल्लाह आप देख सकते हैं, हम आपको आगे भी दिखलाएंगे यहाँ कितना खूबसूरत। माशाल्लाह यहाँ आम का पेड़ है और यहाँ देख लीजिए कितना खूबसूरत, कितना ठंडा और ज़मीन कितनी अच्छी लगी। यहाँ देख ली पब्लिक कितनी बैठी हुई है शाम के वक्त की। मेरा ब्लॉग है माशाल्लाह, आप देख लीजिए कितना खूबसूरत नज़ारा आपको हम दिखला रहे हैं। इस शाम का मेरा ब्लॉग है और ये उर्स मुबारक। माशाल्लाह आप देख लीजिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये शाम का मेरा ब्लॉग है और देख लीजिए हम आपको आगे भी दिखलाएँगे। चलिए चलते हैं। माशाल्लाह आप देख लीजिए, हम आपको हर जगह दिखलाएंगे। अगर आप मेरे चैनल है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक करिए और शेयर करिए, कमेंट करिए, बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। और देख लीजिए हम आपको आगे चल के दिखलाते हैं कितने खूबसूरत नज़ारा। देख लीजिए, देख लीजिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है बाग। और यहाँ देख लीजिए पब्लिक बैठी है, देख लीजिए ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ पब्लिक नहीं है। हाँ देख लीजिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। माशाल्लाह यहाँ आराम से जितनी भी पब्लिक हो, लाखों करोड़ों की पब्लिक भी आ सकती है। देख लीजिए माशाल्लाह उर्स मुबारक का दिन है माशाल्लाह। और देख लीजिए कुल शरीफ हो चुकी है माशाल्लाह। अब हम लोग आए हैं बाबा जान के आम के पेड़ ये निकले हैं माशाल्लाह, उसको दिखाने के लिए आपको बाग की पूरा नज़ारा दिखाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। आपको भी, आप लोग भी यहाँ का नज़ारा देख लीजिए। देख लीजिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। देख लीजिए हम आपको आगे भी दिखला देते हैं। यहाँ शाम के वक्त बहुत ठंडी ठंडी हवाएँ चलती हैं और माशाल्लाह बहुत ठंडा रहता है यहाँ। देख लीजिए अगर आप बैठ गए तो आपको इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है कि यहाँ पब्लिक चादर लेके आती है माशाल्लाह। और यहाँ चादर होती है तो ठंडा रहता है। और देख लीजिए हम लोग शाम का मेरा ब्लॉग है, देख लीजिए कितना सुंदर, कितना अच्छा नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा है। हम आपको आगे भी दिखलाएंगे बाग। और देख लीजिए यहाँ आमिया के पेड़ ज़्यादा है माशाल्लाह। यहाँ आम बहुत निकले हैं। यहाँ देख लीजिए हर जगह आम का पेड़ है माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ ज़्यादातर खेती आम के पेड़ की होती है और देख लीजिए गेहूं की भी होती है। मैं गेहूं तो कट चुके हैं, धान तो कट चुकी है, अब आम के पेड़ हैं निकले हैं माशाल्लाह। अब धीरे धीरे आमियाँ हैं, अब धीरे धीरे आम बन जाएंगे एक महीने में। और देख लीजिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है। देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है। देख लीजिए शाम का मेरा ब्लॉग है, देख लीजिए कितना खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। आपको हम आगे भी दिखलाएंगे कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। देख लीजिए माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है यहाँ आने में। आप भी यहाँ आइए और यहाँ ज़्यारत करिए। और यहाँ के बाग और बगीचे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। यहाँ आम के पेड़ बहुत ही ज़्यादा हैं, देख लीजिए आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। हम आपको आगे चल के दिखला रहे हैं, देख लीजिए कितना खूबसूरत नज़ारा। आप भी यहाँ आइए, आप भी यहाँ घूमिए। यूपी फतेहपुर की सबसे फेमस दरगाह है। यहाँ दुआ मांगने से सबकी मुरादें पूरी होती हैं। और देख लीजिए यहाँ बाग और आम के पेड़ है। यहाँ आके पब्लिक तोड़ती है और खाती है माशाल्लाह, मगर इजाज़त लेनी पड़ती है। बिना इजाज़त लिए आप नहीं तोड़ सकते, यहाँ से कुछ भी नहीं ले सकते हैं। आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी, जिसका पेड़ है
बगीचा है माशाल्लाह, और इसका ये बाग है उससे आपको ज़्यादा लेनी पड़ती है। देख लीजिए हम लोग आए हैं माशाल्लाह, हम लोग देख लीजिए कितना खूबसूरत नज़ारा, आपको बिना पूछे यहाँ की कोई चीज़ भी नहीं लेनी, आपको पूछ के लेना है कि क्या हम यहाँ से आम तोड़ लें या आमियाँ तोड़ लें, तो जब वो कह दे तो आप तोड़ सकते हैं। यहाँ बहुत खूबसूरत नज़ारा है, देख लीजिए माशाल्लाह, और देख लीजिए।